प्रश्न एक, किस कारण से परशुराम क्रोधित हुए थे? उत्तर, उनके गुरु शिवजी का धनुष श्रीराम सीता स्वयंवर में तोड़ डाला था। प्रश्न दो, किनके वचनों को सुनकर परशुराम क्रोधित हो उठे? उत्तर, लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण एवं धृष्टता भरे वचनों को सुनकर परशुराम क्रोधित हो गए। प्रश्न चार, धनुष के टूटने पर लक्ष्मण ने कौन से तर्क दिए? उत्तर, यही कि यह शिव धनुष पुराना था, श्रीराम ने इसे नया जानकर हाथ लगाया और यह हाथ लगते ही टूट गया। प्रश्न पांच, यहाँ कुंभरबतिया को नहीं जित रचनी देखी मर जाही पंक्ति को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, आशय कि यहाँ कुंभरबतिया या छुई मुई के फूल कोई नहीं है जो आपकी अंगुली दिखाने मात्र से डर जाएंगे। प्रश्न छह, कुंभरबतिया शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? उत्तर, कुंभरबतिया शब्द का प्रयोग कमजोर एवं निर्बल व्यक्ति के पक्ष में किया गया है। प्रश्न सात, लक्ष्मण की किन बातों से परशुराम ने अपना अपमान महसूस किया? उत्तर, लक्ष्मण ने परशुराम के बड़बोलेपन का मजाक उड़ाया, भरी सभा में निर्भीक रहकर उन्हें चुनौती देते हुए उनके पराक्रम को ललकारा था। प्रश्न आठ, सूर समरकर्णी करही कहीं न जनाब ही आपू का भावार्थ बताइए। उत्तर, यही कि शूरवान यानी वीर पुरुष युद्ध में ही वीरता दिखाते हैं, व्यर्थ में बोलकर अपनी वीरता की आत्मप्रशंसा नहीं करते। प्रश्न नौ, अयम खांड न उर्व में का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, विश्वामित्र ने लक्ष्मण के संदर्भ में परशुराम से कहा कि ये गन्ने के रस से बनी खांड नहीं है वरन लोहे से बना खांडा तलवार है। प्रश्न 10, बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु कथन का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर, परशुराम के क्रोध की अग्नि को बढ़ते देख रघुकुल के सूर्य श्रीराम जल के समान अग्नि को शांत करने वाले वचन बोले। प्रश्न 11, परशुराम किसके कुल के घोर शत्रु माने जाते हैं? उत्तर, यो के कुल के घोर शत्रु माने जाते हैं। प्रश्न 12, विश्वामित्र किनके गुरु थे? उत्तर, विश्वामित्र राम लक्ष्मण के गुरु थे। प्रश्न 13, रिपु शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, रिपु शब्द का अर्थ शत्रु है। प्रश्न 1, लक्ष्मण को परशुराम को मारने पर पाप और अपयश की संभावना क्यों थी? उत्तर, क्षत्रिय होने के नाते लक्ष्मण की कुल परंपरा में ब्राह्मण अवध्य माने जाते थे, अर्थात ब्राह्मण हत्या पाप कर्म माना जाता था। परशुराम ब्राह्मण थे, अतः युद्ध में यदि परशुराम मारे जाते तो लक्ष्मण को पाप लगता और परशुराम जीत जाते तो वीर क्षत्रिय होने के कारण उनको अपयश मिलता। प्रश्न 2, क्रोध पर विनय और व्यंग्य का अलग अलग प्रभाव कैसे पड़ता है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, विनय क्रोध को शांत करता है जबकि व्यंग्य क्रोध को भड़काता है। लक्ष्मण परशुराम के प्रति जैसे जैसे व्यंग्यपूर्ण कथन करते हैं वैसे वैसे परशुराम का क्रोध बढ़ता जाता है। इसके विपरीत श्रीराम की विनयपूर्ण वाणा उन क्रोध को शांत कर देती है। प्रश्न 3, आयसु काह कहिया किन मोही? श्रीराम की इस बात को सुनकर परशुराम ने प्रतिक्रिया स्वरूप क्या कहा? उत्तर, श्रीराम की सेवक वाली बात सुनकर परशुराम ने प्रतिक्रिया स्वरूप कहा कि जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्रबाहु के समान मेरा दुश्मन है, उसे इस राज समाज से स्वयं अलग हो जाना चाहिए अन्यथा यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। प्रश्न 4, कही उलखन मुनि सीलू तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस कथन का आशय यह है कि परशुराम अपने क्रोधी स्वभाव के लिए सारे संसार में प्रसिद्ध हैं। इसी कारण पिता की आज्ञा मानकर उन्होंने अपनी माता का वध किया, इस कृत्य से वे माता पिता के ऋण से उऋण हो गए, यह बात सारा संसार जानता है। प्रश्न 5, शूरवीर और काय में क्या अंतर बताया गया है? उत्तर, शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का कार्य करते हैं, वे अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं, जबकि शत्रु को समक्ष पाकर काय लोग युद्ध करने की बजाय अपनी दीन ढांका करते हैं। प्रश्न 6, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ में क्या संदेश दिया गया है? उत्तर, इस पाठ में यह संदेश दिया गया है कि बिना सोचे समझे कभी भी किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए,
इससे समस्या सुलझने के बजाय उलझती है। ये संदेश हमें परशुराम के व्यवहार से ही नहीं बल्कि लक्ष्मण की उग्रता से भी मिलता है। प्रश्न 7, परशुराम ने लक्ष्मण के बारे में विश्वामित्र से क्या क्या कहा? उत्तर, परशुराम ने लक्ष्मण के बारे में विश्वामित्र से कहा कि यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है, यह अपने कुल का कलंक और विनाशक है, साथ ही यह नियंत्रण विहीन, निडर, अमर्यादित और अज्ञानी है। प्रश्न 8, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ में किन जीवन मल्यों को अपनाने का संकेत किया गया है? उत्तर, इस पाठ में विनम्रता, मर्यादा पालन और शीलयुक्त आचरण अपनाने का संकेत किया गया है। परशुराम का क्रोधपूर्ण व्यवहार उनके मुनि रूप और वंश के अनुकूल नहीं है। उसी प्रकार लक्ष्मण का व्यवहार भी अपनी कुल परंपरा और सामाजिक मर्यादाओं के विपरीत है। प्रश्न 9, परशुराम की बात सुनकर विश्वामित्र ने उनसे क्या प्रार्थना की? उत्तर, परशुराम की बात सुनकर विश्वामित्र ने उनसे प्रार्थना की कि साधुजन बालकों के गुण दोषों की ओर ध्यान नहीं देते, इसलिए आप भी लक्ष्मण के गुण दोषों को न देखकर बालक समझकर उनके अपराध को क्षमा कर दें। प्रश्न 10, सभा में हाहाकार क्यों मच गया था? उत्तर, लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा संभाल लिया था। यह देखकर सारी सभा में हाहाकार मच गया था, क्योंकि अब लक्ष्मण के अनर्थ की आशंका उत्पन्न हो चुकी थी। प्रश्न 10, सभा में हाहाकार क्यों मच गया था? उत्तर, लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा संभाल लिया था। यह देखकर सारी सभा में हाहाकार मच गया था, क्योंकि अब लक्ष्मण के अनर्थ की आशंका उत्पन्न हो चुकी थी। प्रश्न 11, लक्ष्मण के कुल में किन किन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है और क्यों? उत्तर, लक्ष्मण के कुल में देवता, ब्राह्मण, भक्षण और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि उनकी कुल परंपरा के अनुसार ये सब अवध्य एवं पूज्य होते हैं, इन पर वीरता दिखाने पर पाप लगता है। प्रश्न 12, हो ही को एक दास तुम्हारा, राम के इस कथन में किस जीवन सत्य का बोध होता है? उत्तर, राम के इस कथन से उनकी बड़ों के प्रति विनम्रता, निडरता और सत्यप्रियता झलकती है। हमें सत्य वचना की रक्षा करते हुए बड़ों के समक्ष अपने विचार निडरता से व्यक्त करने चाहिए, लेकिन विनम्रता को नहीं त्यागना चाहिए। प्रश्न 13, परशुराम ने राम की विनयपूर्ण बातों का क्या जवाब दिया और क्यों? उत्तर, परशुराम ने राम की विनयपूर्ण बातों का जवाब क्रोधयुक्त होकर ही दिया। उन्होंने कहा, तुम सेवक हो, सेवक तो वही होता है जो सेवा करता है, जो शत्रु जैसा कार्य करता है वह तो लड़ाई ही मोल लेता है। प्रश्न 14, फरसे को दिखाते हुए परशुराम ने लक्ष्मण से आवेगपूर्ण वाणी में क्या कहा था? उत्तर, फरसे को दिखाते हुए परशुराम ने लक्ष्मण से आवेगपूर्ण वाणी में कहा था कि मेरे इस फरसे ने सहस्रबाहु की भुजाओं को ही नहीं काट डाला, बल्कि यह क्षत्राणियों के गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है। प्रश्न 15, अहो मुनिसु महाभमानी में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस कथन में परशुराम के बड़बोलेपन पर व्यंग्य है, यह उनकी वीरता को चुनौती है। इसके साथ ही उन्हें महामुनियों के विपरीत आचरण करने वाला तथा पराक्रमी योद्धा कहकर लक्ष्मण द्वारा उनकी वीरता का उपहास भी निडरतापूर्वक किया गया है।